हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमाज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी तो है ही, जो कि है आलू चाट की रेसिपी। और ये है व्रत स्पेशल, तो मैंने ये खास व्रत में खाने के लिए बनाई है, जो कि हम व्रत में इजीली खा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्रत में ना खाया जाए। तो ये आलू चाट का टेस्ट एकदम ऐसे है जैसे भल्ला पापड़ी वाली चाट होती है ना, भल्ला पापड़ी जैसी चाट लगती है ठेले वाली, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। क्रिस्पी करारी आलू चाट, वो भी व्रत में खाई जाने वाली। और मैंने तो जब ये बनाई थी और खाई थी ना, मुझे सच में बहुत अच्छी लगी थी। अभी भी इसको देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, इतनी टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार हुई थी। फ्रेंड्स, आप भी एक बार व्रत में इसको बना के ज़रूर खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप एक बार बनाएंगे ना, तो बार बार आपको डेली ना व्रत में यही खाने का मन करेगा कि आलू चाट क्रिस्पी करारी टेस्टी, भल्ला पापड़ी जैसा स्वाद आने वाला है, बिल्कुल ठेले वाला स्वाद। तो इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। मेज़रमेंट कुछ भी नहीं है, जितने आपको बनानी है उतने आलू लीजिए और इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट के ले लीजिए। ये मैंने पहले से ही बॉइल करके रख लिए थे आलू, ठंडे हो गए हैं। थोड़ा सा जिंजर है, थोड़ी सी मिंट लीफ ले लेंगे, लेमन ले लेंगे और थोड़ा सा नमक। यहाँ पे मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा देसी घी। यहाँ हम इसको आज देसी घी में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने आलू को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने से इसमें अंदर तक आलू में हर मसाले का और नमक का टेस्ट जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर नमक ऐड कर लेंगे। नमक यहाँ पे सेंधा नमक ही यूज़ करिए, व्रत में वही यूज़ किया जाता है। और साथ ही काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है मैंने 1 छोटी चम्मच। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जिंजर, ग्रेट किया हुआ जिंजर लिया है। जिंजर भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही यहाँ देसी घी ऐड करूँगी मैं, मेल्टेड देसी घी ले लिया है यहाँ मैंने, 2 से 2.5 टीस्पून मैंने देसी घी डाल दिया है। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे, जिससे कि सारे मसालों का अच्छे से फ्लेवर आलू के अंदर तक पहुंच जाए और बहुत अच्छा टेस्ट आए इसका। तो अब ये देखिए, मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया है साइड में। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी डाल लिया है और ये 10 मिनट हो चुके हैं आलू को। अब इसमें आलू डाल दिए हैं, कोई जीरा नहीं, कुछ नहीं, बस अभी हमें इसे सारे इवनली इस तरह से इसकी सतह पर फैला देंगे आलू, ताकि हर आलू पे नीचे से आँच लगे और वो अच्छे से क्रिस्पी करारा हो सके, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ सके। हर आलू का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, इसलिए तले में सारे अच्छे से इवनली फैले हुए होने चाहिए, तभी वो अच्छे से सिकते हैं। ये देखिए, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो, 5 से 7 मिनट हो गए हैं, उसी में मेरे आलू कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। गैस का फ्लेम हमने लो मीडियम हाई रखा हुआ है, मतलब ना ही ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लो होना चाहिए, बस मीडियम हाई फ्लेम पे इस तरह से इनको लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। और ये देखिए, क्रिस्पी करारे हमारे आलू चाट बनके तैयार हो गई है। इसके ऊपर आप मिंट लीफ से इसको डेकोरेट कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं इसको भल्ले पापड़ी वाला टेस्ट देने वाली हूँ। इसको चाट आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल ठेले वाला भल्ले पापड़ी वाला स्वाद ला रही हूँ। तो थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है मैंने इस पे, और अब थोड़ी सी दही ऐड करूँगी इसके ऊपर मैं। इससे इसका टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, इतनी ज़्यादा यम्मी लगती है कि फ्रेंड्स, एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे धनिया पुदीने की चटनी, हरी चटनी से इसको डेकोरेट करेंगे। और साथ ही इसके ऊपर डालेंगे यहाँ पे खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये भी सारी मैंने सेंधा नमक डाल के बनाई हुई है। तो व्रत में इजीली हम खा सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम ना खा पाएँ। तो यहाँ पे ये देखिए, भल्ला पापड़ी वाली चाट, ठेले वाली टेस्टी सी आलू की चाट, गार्निश कर लिया है पुदीने के पत्ते से। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो गई है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी व्रत स्पेशल आलू की चाट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।